चलिए माइक हाथ में ले लेता हूँ। करूँ सर? यस सर, यस सर। चलो जो भी है, शूट करो। रेडी। मसला ये नहीं कि मसरूफ हो तुम, मसला ये नहीं कि मसरूफ हो तुम, मामला ये है कि मुझसे बहुत दूर हो तुम। मैं जब जब मोबाइल उठाकर पढ़ता हूँ तुमको, मामला ये है कि लफ्जों की हकीकत से बहुत दूर हो तुम। सर थोड़ा सा बारिशों का मौसम है, महसूस करो मुझको तुम। बारिशों का मौसम है, महसूस करो मुझको तुम। मामला ये है कि खुदा की रहमतों से बहुत दूर हो तुम। चलो माना गुजर रही है जिंदगी बहुत बेहतर, चलो माना गुजर रही है जिंदगी बहुत बेहतर। मामला ये है खुद से ही बहुत बहुत दूर हो तुम। थैंक यू। Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Khan sir. Thank you, Lokesh ji. Mukhtasar khayal. What have you to say about this thing? ये किस तरह से actually you know conceived किया और कितना वक्त लग गया और ये क्या खास है? मुख्तसर ख्याल। सर जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, इसका नाम ही मुख्तसर ख्याल है। मुख्तसर मतलब हम लोग अपनी ज़िंदगी में वो छोटी छोटी चीज़ें ख्वाहिशें बनाते रहते हैं ना, कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छा नाम, शोहरत, इसे तो कहीं ना कहीं वो छोटा छोटा जाके फिर बड़ा होता है। तो उसी हिसाब से ये पोइट्री की जो किताब है, इसका नाम मुख्तसर ख्याल है। इसमें अंदाज शायद छोटे छोटे हैं, बट बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत लोगों की फीलिंग्स है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरी ही हैं। इसमें कई ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनफैक्ट ऐसी हैं जो मैंने दूसरों को देख के, दूसरों को समझ के, दोस्तों के काम करने के लिए आ सकूँ, उनको देख के समझ के और लिखने की कोशिश की है। खुश हूँ कि फाइनली बुक छप गई। बहुत सालों से लिख रहा हूँ, ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि कभी ना कभी बुक पब्लिश होगी। जो मेरी टीम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्पेशली शाजी का इसमें बहुत बड़ा एफर्ट रहा है कि आपकी बुक आए, वो लगी रही बातें करना बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस से, उसको कल्टीवेट करके एक जगह पे लाना वॉज अ गुड प्रोसेस। वी इन्जॉयड इट। एंड वही है कि अब आप लोग पढ़िए, बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली किताब जब मैं लिखूँगा, अगर लिख पाया तो उसमें वो सारी चीज़ें को रेक्टिफाई करके फिर लिखेंगे। इंस्पिरेशन जो, जैसे आपने कहा कि आम आदमी या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को लेके, पर फिर भी कोई इंस्पिरेशन रहा होगा या फिर आपने जो आसपास लोगों को देखा उससे आपने इंस्पायर होके लाइक यू हैव यू नो। सर मैं रिटायर फौजी हूँ
आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एज कैप्टन. सो उसमें क्या होता है ना, उसमें आप बहुत सारे इमोशन वहाँ देखते हो जहाँ कोई देख नहीं पाता, क्योंकि जब आप वॉर जोन पे होते हो या एक बटालियन के साथ होते हो ना, तो आपके साथ 400-500 लोग जो आप कर रहे हो वो भी कर रहे हैं. लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता था कि उसका तरीका और मेरे तरीके में या हम लोगों के तरीके में कई दफ़ा फ़र्क आता था. वो फ़र्क क्यों आता था, वो कई लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, कई लोग शायद नाराज़ रहते थे, कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग से नाराज़ होता था. तो बहुत सारे इमोशंस जब आप रात को बैठते हो ना खाना खाने, फौजियों का एक होता है कि एक लंबी सी टेबल लगती है जहाँ 150 लोग एक साथ बैठ के वही रोटी दाल और सब्ज़ी खा रहे हैं, उस वक्त बहुत सारे आप इमोशंस देखते हो कि किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा है लेकिन खा रहा है. उसकी ज़िम्मेदारी वो खाना नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी उसकी फैमिली नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त वो नेशन. तो ये एक अलग फीलिंग होती है, जो एक मेरी शेर में लिखा भी हुआ है कि मैं शायद अभी भूल रहा हूँ कि अभी बीच में आपने जब देखा था पुलवामा वगैरह में अटैक हुए थे तो बहुत सारे हमारे फौजी भाई उसमें शहीद हुए थे. तो उस पर लिखा था कि सरकार को या लोगों को लगता है कि किसी की बस नौकरी चली गई क्या, नौकरी दे दी जाएगी. तो उसको मैंने गज़ल में लिखा था कि तुमको लगता है कि एक शहादत हुई, एक इंसान मर गया है, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर किसी के परिवार की रोटी चली गई. तो ऐसे जज्बात भी हैं. फिर उसमें बहुत सारे फिल्मी तरीके की भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर हैं रफ़ी साहब, मैंने उनके ऊपर एक गज़ल लिखी हुई है. बहुत बहुत अलग अलग इमोशंस हैं, मैं हर जगह जहाँ जहाँ से सीख सकता हूँ सीख के लिखने की कोशिश करी. तो ये amalgamation है, मतलब ऑल इमोशंस आर देयर, मतलब इट कैन बी जॉय, सैडनेस, सब सब कुछ है. यस यस एब्सोल्युटली, मतलब आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि मैं तंज ज़्यादा लिखता हूँ. जैसे अभी आकांक्षा ने शुरुआत में बताया था कि मेरा एक शेर था कि तुम्हारे दो शब्दों के बीच का मौन हूँ मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूँ मैं. तो एक तंज है, अकड़ है, वो फौजी हूँ है, पठान हूँ है, लेकिन हाँ वो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको दिखाता. फिर जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो नहीं हुआ रियल लाइफ में, जहाँ ज़रूरत पड़े वहीं पे, वरना मैं कोशिश करता हूँ ऐसे दोस्तों से सीखने की कि कितना ज़्यादा झुक के रहा जाए, सब कुछ आराम से इत्मीनान से चल जाएगा. सजल भाई, आप क्या कहना चाहोगे आशिफ भाई के बारे में, व्हाट आर योर बेस्ट विशेस टू हिम, कितने सालों से आप उनको जानते हैं? जी एक बात है, जब हम पहले मुलाकात की थी, मतलब वो जूम से मुलाकात की, आपको याद है, मतलब एक आर्मी के साथ में बात कर रहा हूँ तो मैं इतना ये इसका जो इमोशनल पार्ट है वो तो मैंने देखा ही नहीं, देखा नहीं. जो जब हम उससे बात ज़्यादा मुलाकात की, फनी पार्ट मेरे लिए ये था कि ये आर्मी में था बंदा और इतना स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं, फिर भी बहुत ही इमोशनल है. और एक चीज़ जो हम देख सकते हैं, जब आपके ऑफिस में आते हैं देखते हैं हम कि कितने लोग को आप हेल्प कर रहे हैं. राशि सर ये जानना चाहूँगा, बहुत कोशिश कर, काफ़ी काफ़ी लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन एक करेक्ट प्लेटफॉर्म मिलना, या कितना कॉमर्शियल है ये मीडियम आपके समस्या आज के दौर में? भाई देखो, मेरे बाएँ साइड में जो बैठा है ना, वो एक बहुत कमर्शली सक्सेसफुल एक्टर है. तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक कमर्शली सक्सेसफुल एक्टर जिसकी वो छाप इस इंडस्ट्री में बहुत बहुत स्ट्रांग है, अगर वो इंसान पोइट्री सुनने आया है तो कुछ ना कुछ तो होगा. और आप हर चीज़ को कमर्शली नहीं आँक सकते. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जॉन एलियट साहब, कमर्शली कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं. कोई भी शायर इनफैक्ट आज तक कमर्शली सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो चाहे गालिब थे, चाहे मीर साहब थे, चाहे आप जॉन एलिया कह लीजिए, वो अपना उनका वो फ़न था वो लिखते थे, उनको कहना था वो कह गए. उनके जाने के 50-100 साल बाद एक बहुत अच्छे रैपर हैं और राइटर हैं रफ्तार, उन्होंने जॉन एलिया साहब के बारे में जो फिल्म बन रही थी उसमें लिखा, उसमें एक लाइन थी कि मैंने तुमको सुना है, नहीं मंटो साहब के बारे में इनफैक्ट लिखा था कि मैंने बरसों सुना है तुमको मंटो, मैं तो बनना चाहूँ तुम साथ. तब वो एक अलग दायरा है. ये कमर्शियली तो कहीं भी नहीं जाते भाई, ये कमर्शियली शायर नहीं होते. लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, जैसे जावेद अख्तर साहब हैं, बॉलीवुड से जुड़ा होना वो कितना मायने रखता है, क्योंकि सर भी एक्टर हैं और इंडस्ट्री के नाम आना, इंडस्ट्री से जुड़ना वो कितना ज़रूरी होता है, अगर पहचान भी बनानी हो, अगर पैसे की बात ना की जाए तो? सर देखिए, ना तो ये कमर्शियल एक्टर है मेरे लिए, ये मेरा दोस्त है. अगर मैं एक्टर को बुलाता तो शायद एटलीस्ट 30 तारीख को तो वो नहीं आता. आई एम 100% श्योर, बिकॉज मैं इस फ्रेटर्निटी में, वो 30 तारीख को नहीं आता अगर वो एक्टर होता. आई एम श्योर वो अपने क्राफ्ट के लिए बहुत अमेजिंग है, लेकिन वो यहाँ पे जिस वजह से है वो दोस्त की वजह से. और जिनका रेफरेंस सर आपने दिया है ना, वो पहले शायर
वो इतने बड़े शायर के बेटे हैं जावेद साहब, फिर उन्होंने कई वर्षों तक पहले फिल्में लिखी फिर वो गाने। अगर आप सोचो कि अगर वही चीज़ होता तो सलीम साहब भी शायद गाने लिखते थे, उन्होंने नहीं चूज किया। तो शायरी शौक है, शायरी बिजनेस से प्रोफेशन नहीं हो सकता। लास्टली जानना चाहूँगी कि आम लोग की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस लाता है, जैसे आप अपने ख्याल को व्यक्त करते हैं किताब के माध्यम से या ऐसे, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है एक आम आदमी की ज़िंदगी में फिर ख्याली? सर ये तो देखिए वो इंसान पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ इंसान को कब भा जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं भले इम्प्लीमेंट करूँ या ना करूँ उस शायरी को, उस शेर को, उस गज़ल को, क्या मैं उस फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। वो जो इंसान फीलिंग समझ लेगा ना, मेरे हिसाब से वही वो क्रक्स जिसको कहते हैं ना, एक उसके किसी चीज़ की अगर व्याख्या करनी हो तो उसका सारांश पढ़ ली, तो सारांश अगर इंसान को समझ में आ जाए पोएट्री का, वही है ना फसल। उससे ज़्यादा वो कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे ना करे। जी सर, सर मेरी गज़ल तो मुझे पता नहीं था कि मैं गज़ल लिखता हूँ, वो तो शाजी की मेहरबानी है कि शाजी ने उसको कंपोज किया, उसको गाया। मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाता हूँ ढंग का। वो मैं बहुत ओपनली और बहुत ओपन फोर में कह रहा हूँ, शाजी की बदौलत मुझे समझ में आया कि वो गज़ल है। मैं अपनी फीलिंग लिखता हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि ना मैं चोटी बनाता हूँ ना कंघी बनाता हूँ, मैं आप बीती को जगबीती बनाता हूँ। तो मैंने वो जगबीती लिखी थी, उसने उसको गज़ल में डाल दिया, उसने एक एक कॉम्पोजिशन बना दी उसकी, तो वो तो उसकी काबिलियत, मेरी कुछ नहीं है। वैसे तो आगे आने वाले दिनों में मतलब कुछ अरे गाने गज़ल या गाने लिखोगे आप जो भाई? मैं लिखूंगा, बाकी का काम शाजी को मालूम है कि गज़ल बनेंगे कि गाने बनेंगे या स्क्रैप होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है सिर्फ लिखना। मैं लिख देता हूँ शायद टूटा फूटा, फिर शाजी उसको तराशती है, उसको मीटर पे बैठाती है, उसकी कॉम्पोजिशन बनाती है, क्योंकि वो आसान काम नहीं। मुझे अपने गज़ल को अपने शेर को काफ़ी में तो ले आता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर मीटर में लाने की बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, मेरे बस की नहीं। तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा गाना गज़ल बनेगा। शाजी से पूछा, शाजी प्लान क्या है हफ्ते शाजी को भी नहीं कम 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 अरे आजा, अभी जवाब तो आपके पास है ना। जो बोल रहे हैं आप वही प्लान के। हाँ भाई प्रेम में आ रहा है क्या? नहीं नहीं मैंने थोड़ा ऊपर देखो ना, आप कहते हैं तो आपका जिक्र हो रहा है ना, थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, फिर वही मेरा नीचा हो रहा है। या मैम, व्हाट हैव यू टू से अबाउट राशि का जो इनकी किताब अभी यहाँ पर जो है आपका जिक्र कर रहे हैं कि आप नॉर्मली अब तराशते हो उस चीज़ को, तो समथिंग अबाउट राशि? सर तराशने की जहाँ तक बात है तो वो करने की ज़रूरत नहीं, आपने सुना ही, सबने सुना कि किस तरीके का वो लिखते हैं, तो उसमें कुछ भी हेर फेर करने की कोई कहीं से कहीं तक कुछ ज़रूरत नहीं होती है। सर ये ज़रूर है एक बात जो सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इनके लिखने की वजह से कंपोजिशन और म्यूज़िक, एक्चुअली म्यूज़िक क्या था, वो ये भी मानेंगे कि मैं जैसे आई थी मुंबई और अब जिस जगह पे मैं आ गई हूँ म्यूज़िक के लिहाज से और हर लिहाज से, मैं तो कहूँगी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट उनकी वजह से मुझे हुआ है। कुछ उनसे सीख गई हूँ और उनको वो चीज़ें पसंद हैं इसलिए वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं जितनी भी अगर मैं कंपोजिशन बना रही हूँ, अगर मैं उनकी कंपनी में जब से काम कर रही हूँ, मैं कोई गाना भी अगर किसी की कंपोजिशन गा भी रही हूँ, तो जितना भी इम्प्रूवमेंट मुझ में आया है और हर दिन वो चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है, हर एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ करती हूँ कि आई एम वेरी 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 मच थैंकफुल कि मुझे ऐसा इंसान मिला लाइफ में कि इतनी अच्छी इंस्पिरेशन बन सके कि मेरी कुछ चीज़ें उनको पसंद आ रही है, मेरी बहुत बहुत बड़ी खुशी। आजकल बहुत सारे शायर हैं, फैक्ट लाइक यूज़ से कि सोशल मीडिया आ गया है तो एवरी वन फील लाइक यू नो दे कैन राइट, बट जहाँ पर जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं फैक्ट लाइक यू नो या उर्दू आना या जो तलफ़ूज़ जो होता है हर एक मतलब उस चीज़ का यू नो लोगों को, तो कभी कभी आप भी देख रहे हैं कि वर्ड्स को किस तरह से खोलते हैं क्या, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट लाइक, या फिर वो बहुत सारे लोग आ गए मगर वो चीज़ से यू नो कभी कभी दुख भी करता है कि क्या कर दिए लोगों ने ऐसी। सर मेरा तो सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन ही मेरे लिए सोशल मीडिया है। तो किसी एक बहुत बड़े शायर ने एक दफ़े कहा था कि अगर लोग तुमसे बहुत ज़्यादा चिपकने लगें या लोग बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारे पास आने लगें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो,
इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा सस्ते हो कि हर कोई अफोर्ड कर रहा है। तो वही हाल सोशल मीडिया की वजह से है कि हर कोई उस पर है। मैं भी हूँ, मैं अपने आप को भी उसमें काउंट कर रहा हूँ, बट आप उसको किस लिहाज से कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंजम्पशन आपकी क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। और सर जहाँ तक बात तलफ़ुज़ की, मेरी खुद की ठीक हो जाए, मैं दूसरों को कहूँ मेरी खुद की ठीक नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ अभी, जिस दिन मेरी शायद ठीक हो जाएगी शायद कभी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बोल दूँ, वरना अभी उतनी माशाल्लाह हमने तो जो कुछ भी सुना हमारे तरफ से तो आप सर तो यू नो इन द वॉइस व्हाट यू हैव इज आल्सो लाइक सर वही कहते हैं, अब आप बुरा मत मानिएगा आप सारे दोस्त भाइयों के लिए, लेकिन प्लीज डोंट गेट इट ऑफेंडेड, वही कहते हैं कि अंधों में काणे राजा। हम काणे राजा हो गए क्योंकि आपने मुझे सुन लिया, मुझसे बहुत बेहतर बेहतर शायर, बहुत अच्छे बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है शायद उनको अल्लाह ने उतनी फैसिलिटी शायद नहीं दी है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अल्लाह का एहसान है कि मुझे उतनी मिल गया, मैं यहाँ तक आ गया, उतना ही फ़र्क है बड़े भाई, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो आई एम स्टैंडिंग एनीवेयर इन द लाइंस। हाउ डू यू रेट हिम इन केस इफ यू हैव समथिंग वेयर योर, तो आप कितना रेकमेंड करोगे या आप उनको कुछ बोलोगे कि हमारे लिए लिखिए या मेरे लिए लिखिए? अब रेकमेंड नहीं, मतलब रेट नहीं करूँगा, रेकमेंड तो करूँगा ऑफ कोर्स। अब मैं कौन हूँ कि किसी को रेट करूँगा, बट क्या है कि हम काफ़ी इवेंट्स के लिए आए थे आपके पास, एक वजह यह था कि शायरी सुनने की थी और अभी अच्छे हो गए, हमारे काम भी आसान हो गया, तो अब किताब है अपने पास, मुलाकात फिर भी होगी, मतलब होगी पर इसीलिए तो हमें तो अच्छा ही लगता, मुझे शायरी भी बहुत अच्छी, मैं भी लिखता हूँ आपके जैसे भी बस फिर भी दैट्स ऑलवेज लाइक दिस। फाइनली वन लास्ट, आप कुछ अपनी किताब में से जो आपकी कुछ दिल की करीब, वो शायद सब सभी चीज़ें होगी पर कुछ अब जिक्र के आपको सुनाना चाहूँगा। चलिए वो याद है मुझे, अच्छा मेरी प्रॉब्लम है मुझे मेरी शायरी याद नहीं रहती, तो मेरी शायरी मुझसे ज़्यादा इसे याद है क्योंकि वो लिखती रहती है, उसको फॉर्मेशन वगैरह, तो मेरा एक बहुत बहुत फेवरेट है मेरा पर्सनली, दोस्त सुनाता हूँ, दूसरी वाली आप कहीं चेप सकते हैं क्योंकि लोगों ने पहले चेपा हुआ है। तो पहली वाली शेर है कि समंदर जब भी किसी की कहानी कहे है, नए मौसमों की ज़ुबानी कहे है, समंदर जब भी कहानी कहे है, नए मौसमों की कहानी कहे है, आ चल तुझे ज़रा सा मीठा बना दूँ, आ चल तुझे ज़रा सा मीठा बना दूँ, समंदर से दरिया का पानी कहे। और दूसरा वाला ये था, ये बहुत बहुत टाइम बाद लिखा था कि कि तेरे घर से दूर नहीं मेरा घर, तेरे घर से दूर नहीं मेरा घर, बट बस रास्ते में एक जमाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।